फरवरी को जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ देश विरोधी नारे लगाए गए, जिसमें आने की बात किसी भी देश का नागरिक इन नारों का समर्थन नहीं कर सकता है और इसके पीछे जो मानसिकता छुपी हुई है, खास तौर पर आतंक का इस्तेमाल करके राष्ट्र को तोड़ने की जो गतिविधि है, उसका मुकाबला हर देशभक्त करेगा। पर 9 तारीख के बाद से जो घटनाचक्र देश के सामने आया है, उससे बहुत साफ हो गया कि जो भारत का शासक दल है इस वक्त, जो कि असल में एक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधि संगठन है, जिसने इस देश को बनाने में, इस देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, वो आज नकली देशभक्ति का आवरण ओढ़ करके, नकली देशभक्ति का नकाब ओढ़ करके अपनी राजनीति को, जो कि उनकी गलत समझ है, उनको शायद ये समझ में आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं इससे वो राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे, लेकिन देश के गंभीर सवालों पर देश के बड़े राजनीतिक दल और खास तौर पर शासक दल अगर ऐसा अवसरवादी रुख अपनाएंगे, इससे उनको तो नुकसान होगा ही, पर जो ज़्यादा बड़ी चिंता की चीज़ है वो ये है कि इससे देश को नुकसान होगा। और उसका नमूना पिछले एक सप्ताह से हम लगातार देख रहे हैं, जिसकी सबसे घिनौनी परिणति आज पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। 2 दिन पहले वहाँ काले कोट में, वकीलों के वेश में, आरएसएस समर्थक गुंडों ने पत्रकारों के ऊपर हमला किया, देश के नागरिकों के ऊपर हमला किया। कानून और संविधान के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको रोकने की कोशिश की, वो ऐसा करेंगे इसका उन्होंने खुलेआम पहले से ऐलान कर रखा था, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। घटना हो जाने के बाद भी उनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं हुई। उन्होंने बार बार इस बात का प्रचार किया कि हम ऐसी घटना को दोबारा अंजाम देंगे। भाजपा के एक चुने हुए विधायक हैं जिन्होंने खुलेआम ये बयान दिया कि जो मुझे देशभक्त नहीं लगेगा उसको मैं, मेरे पास बंदूक होगी तो मैं गोली मार दूंगा। पार्टी की ओर से, किसी जिम्मेदार नेता की ओर से अभी तक उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया है। और आज जो घटना हुई उससे साफ ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सरकार, पुलिस तंत्र और जो इनका गुंडों का एक गिरोह है, उन्होंने मिलकर के आज देश के सामने जो स्थिति पैदा की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के नज़र के सामने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सामान्य कानून, समान मर्यादाओं, इन सब का उल्लंघन करते हुए घंटों तक, कोई 5 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट नहीं, घंटों तक पटियाला हाउस कोर्ट पर गुंडों का कब्जा रहा। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर देखती रही, पत्रकारों को गालियां,
जो भी उनका समर्थक नहीं है उनको गालियां, और ये सब घंटों से चल रहा था, उसके बावजूद पुलिस बिना पक्के इरादे के या बिना व्यवस्था के कन्हैया कुमार को लेके आई। ये बहुत चिंता और शर्म की बात है कि दो दिन पहले जब कोर्ट में ऐसा वातावरण था, शायद इतना आतंकी वातावरण उस दिन था भी नहीं, तो भी पुलिस ने यह फैसला किया था कि कन्हैया कुमार को कोर्ट नहीं लाया जाएगा। लेकिन आज जब आज का माहौल, आज का वातावरण ज़्यादा आतंकी था, ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही थी, उसके बावजूद कन्हैया कुमार को कोर्ट लाया गया और पुलिस कस्टडी में, पुलिस उनको सुरक्षित कोर्ट रूम तक पहुंचा नहीं सकी, रास्ते में उनके साथ मारपीट हुई। ये सब एक सोची समझी साजिश का नतीजा है जो कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के मन में, जिसका मैंने जिक्र पहले किया, यह गलतफहमी है कि वो नारेबाजी करके देश को सामने जो भी उनके विरोधी हैं उनको वो आतंकवाद का समर्थक और राष्ट्र विरोधी घोषित करने में सफल होंगे। शायद उन्हें मालूम नहीं है इस देश को बनाने में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को ये देश भूल नहीं सकता है। और जब देश अपने नायकों की खोज करता है, अपने शहीदों की खोज करता है, तो उसमें एक भी ऐसे आदमी को ढूंढ नहीं पाता जिसका आरएसएस के साथ कोई संबंध रहा हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना पुरखा बता सके। ऐसा एक भी शहीद हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हुआ नहीं। जो पार्टी लगातार लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है, धर्म और संप्रदाय के आधार पर विभाजन का काम करती है, ऐसी पार्टी को इस देश के लोग राष्ट्र की एकता की पार्टी कभी मान नहीं सकते। लोकतांत्रिक चुनावों में सरकारों का बदलना एक सामान्य बात है, सरकारें बनती हैं, बदलती हैं, बिगड़ती हैं। आज भाजपा का शासन है, उनको व्यापक जन समर्थन मिला है, हालांकि वोट का प्रतिशत बहुत कम है, पर यह ठीक बात है कि उनके पास बहुमत है। पर अगर वो इसे समझें कि इस बहुमत का मतलब ये है कि देश ने उनको नफरत फैलाने का लाइसेंस दिया है, अगर वो ये समझें कि इस बहुमत का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न को, सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं को, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को वो खुल्लम खुला उल्लंघन कर सकते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि इस मैंडेट का मतलब ये है कि वो पुलिस को कानून विरोधी काम करा सकते हैं पुलिस से, और पुलिस को एक मूक दर्शक में तब्दील कर सकते हैं और हिंदुस्तान के लोग इसको कबूल करेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को से वो जितनी जल्दी निकल जाएं, जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं कि राष्ट्र दल से बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जीवन बहुत लंबा चलता है, वो तो कई बार सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, उस सनातन राष्ट्र का इतना अपमान ना करें जो भारत का संविधान है, जिसके तहत उन्होंने कसम खाई है संविधान के अनुसार शासन करने की, उस संविधान का पालन करें। यही अनुरोध हम उनसे करेंगे, नहीं तो देश की जनता ने ऐसे कई आतताइयों को, कई दंगाइयों को उचित समय पर माकूल जवाब दिया है, वो माकूल जवाब इनको भी मिलेगा।